हाय गाइस, कैसे हैं दोस्तों। मैं जो है एक दो रोज पहले मैं जो वीडियो अपलोड किया था उसमें बताया था कि मेरा जो है मेन फोन है, यानी वीडियो शूट करने का, एडिट करने का, सारा काम करने का मेन जो फोन था उस पर क्या होता है, डिस्प्ले पे काफ़ी प्रॉब्लम आ गया था, काफ़ी जो है वो कप उपने लगा था। सो मैं जो है क्या किया, उसके दो रोज बाद मैं लेके गया। मैं सोच रहा कि शायद ठीक उप नहीं हुआ क्योंकि बहुत ही पुराना मॉडल है। ओके, MI नोट 5 प्रो का था, तो बहुत ही पुराना मॉडल था। तो मैं क्या किया, फ़ोन लेके चला गया यहाँ पे, मैं अपने एरिया पे किशनगंज में। सो काफ़ी जो है दुकान उकान भी मैं बात किया, तो बोल रहा है कि भाई ये पुराना मॉडल है, मुश्किल है, नहीं होगा। सो काफ़ी जो है यहाँ पे छिड़काने करने के बाद क्या हुआ कि काफ़ी वहाँ पे जो है मैं इधर उधर घूमा फिरा। सो जो है MI का सर्विस सेंटर है वहाँ पे मुझे मालूम चला। सो पहले जो है MI का सर्विस सेंटर था कहीं पे और, बट वहाँ पे कहीं और चला गया था। सो वहाँ से मुझे काफ़ी जो है वहाँ पे पूरा इधर उधर घूमने के बाद मुझे MI सेंटर मिला। उसके बाद मैं क्या किया, वहाँ पे फ़ोन ले आके देखा कि मुझे डाउट था कि शायद होगा या फिर नहीं होगा। नहीं होगा तो मैं एक फ़ोन जो है परचेस करना चाहूँगा, क्योंकि जो काम तो करना है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सो क्या हुआ कि वहाँ पे MI सेंटर में ले आके दिए, वो फ़ोन को देखा, बोल रहा है कि मॉडल वाले देखे, बोल रहा है कि हाँ हो सकता है, सामान शायद हो सकता है। सो मैं बोला वाह भाई बहुत बढ़िया, सो चलिए देखिए, बोला कि हाँ हो जाएगा। सो हो जाने का जो दाम बोले तो दाम 3,000 सो सकते हैं, 3,000 यहाँ पे फिलहाल जो है यहाँ पे देख सकते हैं मेरा फोन पे है पूरा डिस्प्ले जो है इसका जो है यहाँ पे देख सकते, देखिएगा यहाँ पे पूरा जो है यहाँ पे न्यू जो है यहाँ पे प्लास्टिक जो है यही यहाँ पे प्लास्टिक है अभी, और पूरा जो है यहाँ पे डिस्प्ले में पूरा एकदम न्यू हो गया। और इसका बैक साइड है यहाँ पे देख सकते हैं, बैक साइड वैसा ही है, क्योंकि ये कवर वाला जो है उसके पास नहीं था। बोला कि अगर सही करोगे तो हो जाएगा, ऑर्डर दे देंगे। मतलब ठीक है ऑर्डर दे दो, बट यहाँ पे अभी जो है पैसे उसे का भी है, तो इसलिए मैं जो है पैसे के लिए ऑर्डर के लिए इस बात में बात के लिए मैं क्या, ठीक है भाई 8-10 रोज बाद मैं यहाँ पे ठीक कर लूँगा ये, ठीक है। सो फिलहाल जो है डिस्प्ले सही करके दे दो और मुझे बहुत ही काम है। सो उसी वक्त 1 घंटा से 1.5 घंटा लगा और मेरा डिस्प्ले को पूरा ओके करके दे दिया। सो इससे मैं बहुत ही ज़्यादा जो है हैप्पी हुआ, क्योंकि मुझे जो है काम करना अब रेगुलर होते रहेगा, दिक्कत नहीं आएगा। सो मैं सोच रहा था कि मेरा यूट्यूब चैनल पर अब शायद काफ़ी से प्रेशन होगा, वीडियो जो है अपलोड करना काफ़ी कम हो जाएगा। सो पहले से भी कुछ वीडियोज था तो वही मैं 1-2 वीडियोज अपलोड किया था। सो उसके बाद अब जो है रेगुलर काम होते रहेगा। ओके, और इसके साथ एक और भी मैं फ़ोन परचेज कर लिया हूँ, वो भी आपको यहाँ पे दिखा दूंगा, क्योंकि जब मैं ये जो है खराब हो गया था, सो भाई लोग बोला कि एक फ़ोन परचेज कर लो, न्यू फ़ोन आप परचेज भी नहीं किए हो और काफ़ी दिन से ये पुराना वाला चल रहा है। सो भाई लोग पैसा वैसा देखे, सो मैं एक जो है न्यू फ़ोन भी परचेज किया हूँ, वो भी आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। सो काफ़ी एक्साइटेड होने वाला है। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करके रखना है। ओके, काफ़ी अच्छा फ़ोन ले लिया हूँ। सो फिलहाल जो है ये बताना था आप लोगों के साथ, शेयर करना था। सो आप लोग सभी को दिल से थैंक्स, जो लोग आप लोग यहाँ पे मेरे चैनल को सपोर्ट करते हैं, इसी तरह सपोर्टिंग बनाए रखिए। और यूट्यूब से रिलेटेड कुछ भी अगर आप लोगों को पूछना है, कुछ भी क्वेश्चन लेना है, तो आप कमेंट कीजिए, इंस्टा पेज पर फॉलो कीजिए, वहाँ से क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।